ये जो विलन हंसते हंसते उसमें खून आता है, ये अगर ज़्यादा हंसेंगे तो आप तो हंसना मना है हमारी पिक्चर में, तो हम लोग डिस्करेज कर रहे हैं कि इस पिक्चर में हंसेंगे नहीं, आप रोएंगे। मैं मतलब आपने दो लोगो लगाया, दो क्यों लगाया करेंगे, इनमें बिल्कुल नहीं हंसती है। एक्चुअली मैंने कुछ गिरा दिया था इसलिए मैंने दो लगाया अभी उसको, एक एक को कवर करने के लिए। पर डेफिनेटली ये जो स्माइली है हमारी फिल्म का एक इम्पोर्टेंट थीम है, और ये किसका खून है ये आपको पता चलेगा 27 जून को। अच्छा सिद्धार्थ, मेरा आपसे क्वेश्चन है, इन्होंने जैसे श्रद्धा ने बोला कि उन्होंने अपने फादर को स्क्रिप्ट दिखाई थी, और इनके फादर इंडस्ट्री के बेस्ट विलन्स में से एक है, तो क्या आपने कुछ उनसे विलन्स के पॉइंट्स सीखे, कुछ टिप्स ली उनसे? मैं अभी तक नहीं मिला उनसे, काश मैं मिल पाता उनसे पहले और डिस्कस कर पाता स्क्रिप्ट के बारे में, पर अभी तक तो नहीं किया। होपफुली अब वो पिक्चर देखेंगे और हमें कुछ बताएंगे कि कैसा काम किया। आयशा जो है मेरे किरदार का नाम, वो हमेशा खुश रहती है, फुल ऑफ लाइफ रहती है, दूसरों की मदद करना चाहती है और चाहती है कि लोग हंसे और खुश रहे। एक जोक करके हमेशा जोक्स क्रैक करती है, भले ही कोई और उसकी जोक्स पे ना हंसे, वो खुद हंस देती है, खुद को बहुत फनी समझती है और बहुत बातें करती है। और फिर इन्होंने गाना भी गाया, प्लीज कन्विंस करने की एक्चुअली जरूरत ही नहीं थी क्योंकि मुझे बहुत टाइम से गाना गाना है। आशिकी से कोशिश कर रही है गाना गाने की, अब उनको मौका मिला, तो उस पे ऑफकोर्स आशी टू वे जितना मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया उन्होंने मुझे मौका नहीं दिया उस टाइम पे, क्योंकि जो लेवल सिंगिंग का था आशिकी टू में वो ऑब्वियसली मैं नहीं कर पाती। एंड तो उन्होंने एक विलन में मुझे मौका दिया और बहुत ही खूबसूरत गाना दिया है उन्होंने मुझे, तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बचपन से ही मैं चाहती आई हूँ कि आई कुड सिंग फॉर माई फिल्म एंड आई एम डूइंग दैट नाउ। हम चाहते वो गाना जो ओके तो गलियां का अनप्लग्ड वर्जन, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, मुझको भावे गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, यूं ही तड़पावे गलियां तेरी गलियां। सिंगर्स की नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी फिल्म के लिए गाना गा रही हूँ, सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। उन्होंने अपनी पूरी भड़ास निकाल दी इस रोल में, और जो लाइफ की वो अभी इतने काम और कंपोज लग रहे हैं, तो सारे जो एंगर इश्यूज थे इन्होंने निकाल दिए इस फिल्म में। एक्चुअली ये बिल्कुल नर्वस नहीं हुए थे, मैं नर्वस हो रही थी इनके लिए क्योंकि मैंने सोचा कि चलो मैं ट्रेंड हूँ और मैंने तो प्रॉपर ट्रेनिंग ली है और इन्हें तो एक ही दिन में सीखना था, तो मैं इनके लिए नर्वस हो गई थी। पर शूट के पहले दिन ही इन्होंने छलांग मारी पानी के अंदर और ये इतने कम्फर्टेबल हो गए थे और मैं तो काफ़ी शॉक थी, और पूरा मज़ा ले रहे थे डाइविंग का अंडर वाटर, और हम दो दिन एक्चुअली अंडर वाटर हमने शूटिंग की, तो बहुत मज़ा आया और हमने एक लैंग्वेज भी अपना बना लिया था अंडर वाटर कम्युनिकेट करने का। इस फिल्म के लिए मैंने बाइकिंग एक बुलेट चलानी सीखी, तो ऑब्वियसली मैं 5.5 की हूँ और एक बुलेट जो है एक बहुत ही बड़ी बाइक है, तो डेफिनेटली मज़ा तो बहुत आया। और एक्चुअली मेरा कैरेक्टर जो है आयशा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हर कैरेक्टर कि वो बुलेट चलाती है, वो खुद हवा की तरह है, तो जब वो बुलेट पे भी है तो शी फील्स लाइक यू नो फ्री राइडिंग द बाइक। चलो सिद्धार्थ, एक अलग रूम में नजर आ रहा है बुलेट में, कभी नेगेटिव शेड आप कभी करना चाहेंगे? आप दोनों के नेगेटिव शेड्स बताएं। हम दोनों के नेगेटिव शेड्स, वेल आई थिंक कि सब में नेगेटिव शेड्स होते हैं और सब में एक विलेन होता है, और वो हमारी कंट्रोल में रहता है कि हम उसको कितना बढ़ावा दें और कितना नहीं, तो या और दैट्स आल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिल्म। आई थिंक नेगेटिव हीरो विलेन फिल्में हैं तो उससे क्या, रितेश भी पिक्चर में है तो हाँ ऑफकोर्स रितेश भी, आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने भी कुछ अलग करने की कोशिश करी है, उन्होंने बहुत पिक्चरें करी हैं पहले बट अलग किस्म के जॉनर है, तो उनके लिए भी एक नया किरदार है एंड वो भी नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। बेशक हम दोनों जब कहते हैं नेगेटिव तो हम लोग बाय एक्शन नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव बाय एक्शन नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं, जो हम चीज़ें करते हैं इस पिक्चर में वो नेगेटिव है,
मे बी मैं ज़्यादा लाउड या अग्रेसिव या फिजिकल हूँ, वो स्लाइटली मोर अनअज्यूमिंग या आपको शायद देखने से ना लगे, बट वही इंटरेस्टिंग है कि कैसे ये कहानी में मोहित सूरी ने दो नेगेटिव कैरेक्टर्स जो अलग अलग किस्म के हैं और कैसे उनकी कहानियाँ एक साथ आती है, वही है एक फिल्म। बारिश के गाने को याद है एक वो जो आई थिंक श्रीदेवी और सनी देओल का गाना था जो बारिश में उन्होंने गाया था चालवाज में, क्या गाना है ना जाने कहाँ से आई है ना जाने कहाँ वो जाएगी, आई थिंक वो गाना बहुत ही फन है, उसमें जो आई थिंक उसमें बारिश का एलिमेंट भी है एंड दैट फिल्म इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो मुझे वो याद आता है। It's a beautiful song, मजेदार गाना है, तो that and rain is falling chama chum chum, तो वो भी मजेदार गाना है। बॉलीवुड में बहुत सारे हैं, आई थिंक हमारे कितने आइकॉनिक विलन कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो मोगैम्बो हो या गब्बर हो या शाकाल हो, आई थिंक मेरे लिए जो मेरे को इंटरेस्टिंग लगे जो सारे हीरोज ने प्ले करे हैं, जो शाहरुख खान एंड डर या बाजीकर और संजय दत्त इन खलनायक और इवन रिसेंटली अग्निपथ, आई थिंक इन दोनों में एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जब ये लोग हीरोज नेगेटिव कैरेक्टर्स प्ले कर रहे थे उनकी एक लाइकेबिलिटी फैक्टर तभी भी वहाँ थी, आई थिंक आप उनको वो अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते थे अपने एक्टिंग के थ्रू, तो आई थिंक वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक क्वालिटी है इन दोनों एक्टर्स के। एक हीरो हीरोइन की लव स्टोरी तो देखी है, लेकिन आपकी एक विलन के साथ जो रोमांस का एक्सपीरियंस था कैसा था? तो इस फिल्म में मतलब आयशा जो है मेरा कैरेक्टर, वो एक विलेन को सुधारने में चली है और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है क्योंकि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से कम्प्लीटली ऑपोजिट है। गुरु जो है वो बहुत कम बोलते हैं, आयशा जो है वो चुप बैठने का नाम ही नहीं लेती, और ये जो है वो इतनी बातें करती है कि उन्हें हमेशा एक सड़ू लुक देते रहते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि दो इतने ऑपोजिट कैरेक्टर्स में प्यार हो जाता है, तो लोगों को आई थिंक वो एस्पेक्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। मेरे डैड ने एक विलन की स्क्रिप्ट पढ़ी थी और उनको बहुत पसंद आई, उनको मोहित सूरी की सारी फिल्में पसंद आती है, तो बहुत ही एक्साइटेड है कि बहुत टाइम के बाद एक फिल्म लोगों को देखने को मिलेगी जहाँ पे कोई हीरोज़ नहीं है, विलन्स हैं, तो वो काफ़ी एक्साइटेड है। एक फिलॉसफी है जो मैं बोलती हूँ मेरे डायलॉग्स में है, जो है अंधेरे को अंधेरा नहीं सिर्फ रोशनी मिटा सकती है, नफ़रत को नफ़रत नहीं सिर्फ प्यार मिटा सकता है, तो कैसे इस सेइंग का जो इस थीम किस तरह से ये सेइंग इस थीम इस फिल्म में अनफोल्ड होती है और कैसे कैरेक्टर्स को इस थीम का एहसास होता है, तो आई थिंक पीपल शुड गो एंड वॉच इट फॉर दैट ऑल्सो। एक किरदार होता है, कोई अग्रेसिव या दोसाइल किस्म का एक्टर नहीं होता, तो मुझे अग्रेसिव किस वे में समझ नहीं आया, मतलब क्या एक्शन, आई थिंक शी इज मोर एडवेंचरस देन आलिया, बिकॉज इस पिक्चर में एडवेंचर करने की ज़रूरत थी, एंड आई थिंक आलिया में अलग क्वालिटीज़ है, वो एक खुद ही एक जो उनकी पर्सनैलिटी है वो ऑफ कैमरा भी काफ़ी सिमिलर रहती है, वो आई थिंक उनमें जो ऑन कैमरा लेके आती है शी हैज़ मोर नेचुरल एलिमेंट बिकॉज द काइंड ऑफ रोल शी इज़ डन, सो या आई थिंक अग्रेसिव नॉन अग्रेसिव का कोई सवाल कपिल का शो सितंबर में ऑफ एयर हो रहा है और सारे सेलिब्रिटीज वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे अपने फिल्म का प्रमोशन करते हैं, तो उसमें क्या मतलब उम्मीद है कि जाने का मौका मिलेगा, मैं वेट कर रही हूँ कि मैं कब उनके शो पे जाऊँ, और ये अफसोस की बात है कि हिज शो इज कमिंग टू एन एंड, इट्स रियली सैड, बहुत ही बढ़िया शो है उनका। Hi everybody, I'm Shahrukh Khan, watch me only on facebook.com/businessofcinema.